अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी हम अबू धाबी के लिवा सिटी में हैं। अभी हम लोग जो थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं रेस के ग्राउंड में, जहां कैमल का रेस होती है। तो इसका ख़ास बात यह है कि इस कैमल को जो है रोबोट के ज़रिए से कंट्रोल किया जाता है और उसका रेस होता है। तो अभी बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, तो दिखाता हूँ आपको। देखिए देखिए कैमल कैसी तेज़ी के साथ दौड़ रही है नहीं। और देखिए वो कैमल के ऊपर रोबोट बांधा हुआ है छोटा छोटा सा। वो उस गाड़ी पे कैमरा मैन है, कैमरा कर रहा है। पीछे भी दो गाड़ियाँ चल रही हैं, उसमें ऊँटों के मालिक होते हैं। इस साइड से भी गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है, वो आपको दिखेगा आगे चल के। तो वो लोग ऊँटों के जो मालिक हैं, वो लोग के हाथों के अंदर रिमोट मौजूद हैं, जिसके ज़रिए से वो लोग रिमोट को बटन को टिपते हैं तो रोबोट जो है ऊँट को स्टिक मारता है, जिसकी वजह से ऊँट तेज़ी के साथ दौड़ता है। और इस तरह से वो लोग अपने रेस को पूरा करते हैं। तो देखिए ये बीच से जो है कच्चा रोड है अरंबल वाला, ताकि ऊँट को दौड़ने में आसानी हो। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो देखिए देखिए कैसी तेज़ी के साथ दौड़ रहा है। देखिए इस तरफ से भी ये आ रहा है कार वाला। तो इससे पहले भी मैंने ऊँट के ऊपर जो है एक वीडियो डाला था, जिसके अंदर ऊँट को दिखाया गया है कि किस तरह से क्रेन के ज़रिए से ऊँट को लोड अनलोड किया जा रहा है। तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पे भी डाल दूंगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। देखिए पूरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट के अंदर अपने राय का इजहार करें, ठीक है, ताकि मैं आइंदा भी इस टॉपिक पे, यानी ब्लॉग के टॉपिक पे जो है मैं वीडियो डाल सकूं, बना सकूं, ठीक है। इंशाल्लाह आइंदा भी मैं एक वीडियो जो है किला की, जो पहले ज़माने में किला हुआ करते थे, उसकी वीडियो डालूंगा, ठीक है। देखें ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।